रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। आज की बड़ी खबर, सिविल लाइन चौराहे से गोरा बाजार रोड पर अवैध अतिक्रमण को तोड़ती जेसीबी। विवादित कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन पर प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल ने तार खिंचवाए। अवैध खड़े प्राइवेट वाहनों को प्रशासन ने दी चेतावनी। विवादित कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन पर प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मिलकर तार खिंचवा दिया। जैसे ही तार खिंचवाने की सूचना लोगों को मिली, एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई। अपर जिलाधिकारी पूजा मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया और नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा बल्लियां गुड़वा कर चारों तरफ कटीले तार लगवा दिए गए। बताते चले कि दिसंबर 2020 में माननीय न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमणकारियों से यह जमीन खाली कराई गई थी, लेकिन कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन है, इसको भी प्रशासन ने मानने से इनकार कर दिया था। इसी क्रम में सिविल लाइन से गोरा बाजार से डी रोड पर सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण किए लोगों को प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाया और ठेले व दुकानदारों सख्त हिदायत दी। वही जिसका पूरा मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है, इसी पर न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इस बाबत जब अपर जिलाधिकारी पूजा मिश्रा से बात की गई तो पहले तो वह मीडिया से भागती नजर आई, लेकिन बाद में न्यायालय के आदेश पर यह कार्य किया जा रहा है, इतनी जानकारी दी। वही अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान आगामी 30 मई तक चलेगा, इसी के तहत ये कार्य कराया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस फोर्स लगाई गई है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। इस तरह अधिकारियों ने अपने वक्तव्य देकर मामले को दबाने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन आम लोगों में एक बार फिर कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। फिलहाल किसी तरह का कोई अतिक्रमण ना हो, इसके लिए कटीले तार लगवाकर प्रशासन ने नोटिस बोर्ड लगा दिया है। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें। मीटिंग हो रही है, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, यहाँ पे माननीय न्यायालय ने किसी भी तरीके के जो भी यथास्थिति का आदेश है, तो यहाँ पे प्रायः हम लोग देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि यहाँ पे लोग गुमटियाँ रख लेते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो उनको समझाने के बाद भी वो नहीं मानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बस उन लोग को समझा के वो सब चीज़ें हटवा रहे हैं और बाकी पूरे शहर में हम लोग अभियान चला रहे हैं। और मेरी सबसे अपील भी है कि किसी भी तरीके का जो रोड पे नालियों पे आप लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उसको कृपया ना करें, क्योंकि फिर आप ही लोगों को उस चीज़ से असुविधा होती है। और यही हम लोग का उद्देश्य है कि ये पूरा शहर जो है अतिक्रमण मुक्त रहे, जो चीज़ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और जो शासन के हमारे निर्देश हैं उसका सभी लोग कड़ाई से अनुपालन करें। धन्यवाद। रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। आज की बड़ी खबर, सिविल लाइन चौराहे से गोरा बाजार रोड पर अवैध अतिक्रमण को तोड़ती जेसीबी। विवादित कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन पर प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल ने तार खिंचवाए। अवैध खड़े प्राइवेट वाहनों को प्रशासन ने दी चेतावनी। विवादित कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन पर प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मिलकर तार खिंचवा दिया। जैसे ही तार खिंचवाने की सूचना लोगों को मिली, एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई। अपर जिलाधिकारी पूजा मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया और नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा बल्लियां गुड़वा कर चारों तरफ कटीले तार लगवा दिए गए। बताते चले कि दिसंबर 2020 में माननीय न्यायालय